सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी जोरों से सुना होगा। उस इंजेक्शन का नाम है मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शन। दोस्तों यह वही इंजेक्शन है जिस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी रोकने के लिए 3 महीने में एक बार लगाया जाता है। हो सकता है दोस्तों आप में से कई दोस्त इस मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शन को इस नाम से नहीं जानते हैं। आप जिस नाम से जानते हैं वह उसके ब्रांड नेम है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शन के हैं, वह है डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन इसी का ब्रांड नेम है। साथ ही पेरी इंजेक्शन, जिन दोनों की पिक्चर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन दोनों का ही कंटेंट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन रहता है। यह जो इंजेक्शन है आपको लगभग 300 रुपये की प्राइस में मार्केट में मिल जाता है। इस इंजेक्शन के बारे में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे कि इसकी यूज़ क्या है, इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाना चाहिए, कब लगाया जाता है इसको, और जब इस इंजेक्शन को मरीज़ को लगाया जाता है तो उससे पहले मरीज़ को किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए, क्या इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट होते हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि वह कौन सा इसका साइड इफेक्ट है जिसके कारण से महिलाएं इस इंजेक्शन को लगाने से डरती है। तो ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शन, जिसे आप सभी डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में मिल सके। साथ ही वीडियो को अभी से लाइक करें, और चैनल को अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एक मानव निर्मित हार्मोन है, साथ ही ये प्रोजेस्टिन ग्रुप का एक हार्मोनल इंजेक्शन है। मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन को हम मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और शॉर्ट में इसे DMPA डिम्पा भी कहा जाता है। अगर इस इंजेक्शन के यूज़ की बात की जाए तो जैसा कि आप सभी को पता है, यह एक कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यदि किसी महिला को 2 बच्चों के बीच में प्रॉपर गैप रखना हो या किसी अन्य कारण से प्रेग्नेंट नहीं होना हो, तो उस समय यह इंजेक्शन लगा के उसे प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है। साथ ही कोई महिला हो जिसके गर्भाशय में किसी प्रकार की बीमारी हो और डॉक्टर ने उसे एक नियत समय फिक्स टाइम के लिए प्रेग्नेंट नहीं होने की सलाह दी है, तब भी वह समय निकालने के लिए, उस समय प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए भी यह मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शन महिला को लगाया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें इस इंजेक्शन को कब लगाया जाता है, क्या इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए और किस तरह से इसको लगाया जाता है, तो यह जो इंजेक्शन है उसे IM इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को कूल्हे पर या अपर आर्म, यहाँ पर लगाया जा सकता है, जिसे आप ग्लूटियल मसल तथा डेल्टोइड मसल कहते हैं, इन दोनों में मसल पे इसको लगाया जा सकता है। और यह जो इंजेक्शन है जब लगाया जाता है उस समय महिला प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, इसी कारण से इस इंजेक्शन का जो लगाने का समय है वो पीरियड्स के शुरू होने के 5वें दिन लगाया जाता है। साथ ही यह जो इंजेक्शन है 150 मिलीग्राम पर 1 ml की स्ट्रेंथ में आता है, ये सस्पेंशन इंजेक्शन आता है, इसलिए जब भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है तो अच्छी तरह से इस इंजेक्शन को हिला के लगाना चाहिए। और जब ये इंजेक्शन एक बार लगाया जाता है तो आने वाले 12 या 13 हफ्तों तक महिला प्रेग्नेंट नहीं होती, मतलब एक इंजेक्शन लगाने के बाद 3 महीने तक प्रेग्नेंसी का खतरा नहीं रहता है। और यह जो टाइम है कुछ महिला में 5 दिन कम या 5 दिन ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु लगभग जो 3 महीने हैं एक इंजेक्शन लगाने के बाद में प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहता है। और मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शन हमेशा क्लिनिक तथा हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह पर तथा डॉक्टर के सुपरविजन में लगाना चाहिए, और यह सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड स्टाफ द्वारा लगाना चाहिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि सस्पेंशन है तो आपको कुछ गांठ वगैरह या दर्द वगैरह कर सकता है। अगर इस इंजेक्शन को लगाने के सही समय की बात की जाए तो इस इंजेक्शन को पीरियड शुरू होने के 5वें दिन लगाया जाता है, क्योंकि उस समय प्रेगनेंसी रहने का खतरा नहीं रहता है। साथ ही किसी महिला के अगर डिलीवरी हुई है, उसने बच्चे को जन्म दिया है, तो बच्चे के जन्म के 6 या 7 हफ्ते बाद ही इंजेक्शन को लगाना चाहिए, और इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में बच्चे को दूध पिला सकते हैं, उसमें कोई भी खतरा नहीं है। और जब भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगाने की सलाह दी जाती है, उसमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको अच्छी डाइट लेनी है, दूध और दही का ज़्यादा आपको सेवन करना है, साथ ही कैल्शियम तथा विटामिन D3 का सप्लीमेंट या
टेबलेट का आपको सेवन करना है। दोस्तों विटामिन D3 तथा कैल्शियम की जो टेबलेट है उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, यदि आप में से कोई देखना चाहता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके कैल्शियम तथा विटामिन D3 टेबलेट का वीडियो देख सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों अब अगर बात की जाए इस इंजेक्शन को लगाने से पहले मरीज को क्या क्या सावधानी रखनी होती है और किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो सबसे पहले यदि कोई महिला है जो पास्ट में कभी भी मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन से एलर्जिक रही हो तो उसे यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। साथ ही महिला को या महिला के परिवार में किसी भी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर या डायबिटीज़ की शिकायत हो, उस महिला को ब्रेस्ट में खिंचाव हो रहा हो, उनके स्तनों में गांठ बन गई हो या दर्द हो रहा हो, साथ ही निपल्स में ब्लीडिंग हो रही हो, यदि कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, साथ ही वह ब्रेस्ट फीडिंग मदर जिसके बच्चे की उम्र 6 हफ्ते से कम है, तो इन सभी महिलाओं को यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। साथ ही यदि आपने यह इंजेक्शन लगवा लिया है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि यदि आपको किसी भी प्रकार की अपकमिंग सर्जरी हो या आपको कोई डेंटल सर्जरी करवानी हो तो अपने डॉक्टर को ज़ोर से बताएं कि हमें डिप्रो-प्रोवेरा जो इंजेक्शन है, जो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, यह इंजेक्शन लगा हुआ है। साथ ही जब यह इंजेक्शन आपको लग जाता है तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड आता है उसकी डेट कुछ पहले या बाद में हो सकती है, और पीरियड आने से पहले 2 पीरियड के बीच में आपको स्पॉटिंग हो सकती है, और इसके अलावा यह इंजेक्शन लगाने के बाद में जब भी आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें तो एटलीस्ट इंजेक्शन लगने की तारीख के 6 महीने बाद में प्लानिंग करें। तो ये बातें आपको ज़ोर से ध्यान रखनी होती है जब भी आप इंजेक्शन लगवाते हैं। दोस्तों अब अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यदि कोई महिला इस इंजेक्शन को लगाती है और इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें महिला को जो पीरियड का टाइम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, पहले या बाद में हो सकता है, इरेगुलर पीरियड महिला को हो सकता है, साथ ही वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज महिला को हो सकता है, इसमें वजन का बढ़ जाना, शरीर में कमजोरी आना, चक्कर सा आना, नींद नहीं आना, चेहरे पर या शरीर के किसी भी भाग में एक्ने मतलब कील या मुहांसे हो जाना, महिलाओं को ब्रेस्ट में मतलब स्तनों में खिंचाव रहना, सूजन आना या उसको दर्द होना, जॉइंट या हड्डियों में दर्द होना, ये कुछ समस्याएं हैं जो कॉमनली देखी गई इसके साइड इफेक्ट के तौर पर। यदि ये समस्या या इसके अलावा कोई दूसरी अन्य अनवांटेड साइड इफेक्ट आपको मिले, अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले जिससे कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके और उसके बाद में फ्यूचर में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करें। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं वह कौन सा इसका साइड इफेक्ट है जिसके कारण महिलाएं इस इंजेक्शन को लगाने से डरती है और डॉक्टर भी इसको कम एडवाइस करते हैं। वह साइड इफेक्ट है दोस्तों, यह जो इंजेक्शन है महिलाओं की हड्डियों को कमज़ोर करता है, हड्डियों को गलाता है, स्पेशली कुल्हे की हिप बोन को, पाँव की बोन को और बेक बोन को, इन सभी को गलाता है, जिससे कि महिला को बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द होता है और कई बार खड़े होने में भी उनको समस्या होती है। और इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए डॉक्टर महिला को दूध ज़्यादा पीने, दही ज़्यादा खाने, साथ ही कैल्शियम तथा विटामिन D3 के जो सप्लीमेंट है उसको लेने की सलाह देते हैं, जैसे कि यह जो खतरा है उसको कम किया जा सके। इन्हीं साइड इफेक्ट के कारण महिलाएं इस इंजेक्शन को लगाने से डरती है, परंतु दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं इन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए, जो हड्डियों का गलना है उसको कम करने के लिए कैल्शियम के सप्लीमेंट देते हैं, तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं, सही प्रॉपर रूप से अपने डॉक्टर से गाइड लें, सलाह लें और इस इंजेक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी मैंने मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन जिसे आप डिप्रो-प्रोवेरा तथा पेरी इंजेक्शन के नाम से जानते हैं पूरी बता दी है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नई जानकारी आपको मिली होगी, कई सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे और साथ ही वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो जोर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी हो कि आपके फ्रेंड और फैमिली मेंबर से काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए रेड बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे वीडियो सभी मुफ्त में आप देख सकें। आप तो अपने दोस्त मोहित दादी से देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।